नागपुर शहर में हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार की देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र में भी हत्या का मामला सामने आया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नटराज टॉकीज परिसर में शुक्रवार की सुबह हत्या का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पारडी भवानी माता मंदिर निवासी कमलेश शेडे गुरुवार की देर रात अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी रहा था। शराब पीते ही मृतक और उसके साथियों में किसी बात को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बड़ी कि मृतक के साथियों ने पास में पड़े टिकास से उसके शरीर और सिर पर वार कर दिए। वार इतने तेज थे कि मृतक कमलेश की जगह पर ही मौत हो गई। इस मामले में शामिल सभी आरोपी फरार हैं, मगर पुलिस को भाईजान मदन और दिनेश नामक व्यक्तियों पर संदेह है। तीनों की तलाश कोतवाली पुलिस कर रही है। मृताचा नाव कमलेश हिरडे आहे असं त्याच्या दवाखान्याच्या कागदपत्रावरून समजलेलं आहे। अजून त्याचे नातेवाईक कोण मिळाले नाहीत। सकाळी कोणा व्यक्तीला तो तिथं संशयास्पद स्थितीत पडलेला दिसला, त्यावरून त्याने पोलीस स्टेशनला कळवल्यावरून पोलीस तिथे पोहोचले तर त्याच्या डोक्यात टिकास मारून मर्डर झालेला आहे। त्याचे सोबती जे सोबत खाणार पिणारे होते काही त्यांच्याकडे आम्ही चौकशी करत होत आहेत। अजून नक्की काय कारणानं मर्डर झाला ते निष्पन्न व्हायचं आहे, लवकरच होऊन जाईल असं आम्हाला वाटतं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।